हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग और आज अपन करेंगे इन वन शॉर्ट रिवीजन क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीआर का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम पे और बहुत डेप्थ में पूरे एक एक चीजों के साथ रिवाइज करेंगे सारे के सारे जो डेरिवेशन है वो भी अपन यहां पर करेंगे तो अगर आपकी कोई एग्जाम आने वाली है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल सही होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन एंसर जो है उनको आप रिमाइंड करके आप उन चीजों को लिख सको और आपके अच्छे नंबर आ सके तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से सबसे पहले इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या तो ये सारे टॉपिक मैं आपके आज कवर करने वाला हूँ चार्ज प्रॉपर्टीज है ना कुलम

चार्ज क्या है मैंने आप लोगों को बताया चार्ज एक प्रॉपर्टी है चार्ज क्या है एक प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं भले ही चार्ज खुद प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी भी तो कुछ है, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं भी जरूरत नहीं है एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता सेकेंड ऐसा यूनिट इज कुलम वॉट इज यूनिट ऑफ चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम नेक्स्ट लाइक like चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे जैसे प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट आई नो आपने ये बातें बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप टेंथ में भी पढ़े थे क्लास एट में भी पढ़े थे है ना इसलिए थोड़ा अपन इसको तो जल्दी लेके सकते हैं चार्ज इज कंसर्ट मतलब कि चार्ज को आज तक तो भैया ना तो क्रिएट किया गया है ना तो डिस्ट्रॉय

हाँ वैसे आप क्वांटम फिजिक्स में जाओगे तो करता है लेकिन अपने ट्वेल्थ के फिजिक्स के हिसाब से नहीं ये करता जो क्वान्टाइज है वर्ड का मतलब होता है पैकेट्स क्वानाइज मतलब पैकेट्स के फॉर्म में या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या दो डेढ़ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन है ना या फाइव बाई टू इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है मतलब सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो या दस या एक करोड़ या एक अरब समझ में आया मतलब डेढ़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट

इंटीजर होगा बात समझ में आई तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट क्लियर ठीक है टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े सारी प्रॉपर्टी क्लियर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज की यूनिट है है ना चार्ज कंजर्व चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और चार्ज क्वानाइज है इनके अलावा कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई थी मेन क्लासेस में लेकिन वो अभी आपको यहाँ पर रिविजन के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीआरटी में नहीं है हाँ लेकिन एक बात है जो आपको जानना जरूरी है जैसे यहाँ पर मैं आपका पेज एड करके बता देता हूँ अब कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी देखो अब चार्ज के बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं है ना चार्ज भैया होता किसके पास है तो आप एटम में जाओ एटम के अंदर बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है इनके पास पाया जाता है चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज है उनके पास पाया जाता है चार्ज प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेगेटिव अब एक बार बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज चार्ज बनाना बनाना है या बनाना है या नेगेटिवली तो क्या करना पड़ेगा अब सिंपल सी बात है आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते या प्रोटॉन को निकालने जाओगे तो बहुत एनर्जी लगेगी एटम बम हाइड्रोजन बम के जैसी समझ रहे हो एकदम वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो जाएगा प्रोटॉन को निकालने जाओगे तो डे टू डे लाइफ में आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं रबिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो इसलिए इसको छूने में करेंट बात समझ नहीं अब अगर इसको मेरे को पॉजिटिव चार्ज बनाना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ने पड़ेगा तो अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और अगर किसी को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डाल दिए जो भी करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन के साथ नहीं प्रोटोन को अपना बैठे रहने दो भाई छेड़छाड़ नहीं है ना सिर्फ किसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ तो अपन यहां पर क्या हो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और नेगेटिव uh, चार्ज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटोन से बात समझ में आई और न्यूट्रल है अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है जीरो चार्ज है अगर उसके अंदर इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ आगे हैं. और जैसा आपने पढ़ा था बचपन में उसी के हिसाब से है हाँ. तो आप लोगों ने क्लास टेंथ में और इलेवेंथ में भी पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि इस दुनिया में हर एक मास दूसरे मास को फोर्स लगा रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर सेम वैसे ही है कूलम्स लॉ कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं q1 और q2 और इनके बीच की दूरी है r तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम डिटो सेम वैसा का वैसा जैसा ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था सेम वैसा, का वैसा. बस वहां पर मास था यहां पर क्या है चार्ज बाकी सेम डिटो अब वहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डाले थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी constant, वैसे ही यहां पर इस कांस्टेंट को हटाने के लिए अपन डालते हैं जो मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट डालते हैं वो आता है 1 बाई फोर पाई एप्सलोनॉट Q1, Q2 by R2. अब इसको पूरे को K लिखते हैं लेकिन मत लिखो क्योंकि अपन को भी करते हैं। तो में इसको कहीं पर भी के, के जैसे यूज नहीं तो किया तो है नहीं तो इसको ऐसा आप यूज कर सकते हैं। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 10 की तेन पावर 9 ये जो कांस्टेंट है अगर इसको मैं मान लो चलो कैपिटल के बोल देता हूं तो ये कैपिटल के की जो वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर जैसे कैपिटल जी की यूनिट क्या होती थी ग्रेविटेशन में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर ये वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट रखनी है ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड आई है कोई इसका डेरिवेशन नहीं है ठीक है डायरेक्ट के की वैल्यू आपको याद रखनी है अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट ये क्या है ये पढ़ना है अपन को एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वॉट इज एप्स नॉट एप्स नॉट क्या है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है आप ये जान सकते हो एक तरीके से अब ये जो आप अभी भी देखो अब मान लो यहां पर मैं दो चार्ज रखू तो उनके बीच में कुछ फोर्स होगा अगर मैं ये चार्ज को अभी पर था हवा में था इसको पानी में डाल दू तो क्या फिर भी सेम फोर्स रहेगा कि अलग अलग तो क्योंकि मीडियम अलग हो गया उनके कारण भी तो कुछ होगा तो ये जो मीडियम का इफेक्ट है ये जो मीडियम का ये जो परमिटिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है मीडियम की वजह से इसलिए यहां पर अपन क्या लिखे हैं फ्री स्पेस मतलब जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं एप्सलोनॉट

समझ में आया तो एक तरीके से समझने के लिए परमिटिविटी को क्या समझने के लिए समझने के लिए परमिटिविटी को क्या ले सकते हो रुकावट किसी भी मीडियम की रुकावट बात समझ में आई उसको बोलते हैं परमिटिविटी और जो फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है उसको बोलते हैं नॉट इसकी वैल्यू बताओ वत जल्दी से 8.85 या 8.84 कहीं एनसीआरटी में क्या लिखा है एनसीआरटी में जो लिखा है वो मानिएट पॉइंट एट एनसीआरटी में जो लिखा है भैया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई अपने लिए है ना जो लिखा हुआ है चलो एट पॉइंट एट फाइव फोर अच्छा फाइव फोर लिखा हुआ है ठीक है एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन की पावर माइनस टू है ठीक है और यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी देखो बाकी फोर पाई की तो कोई यूनिट है नहीं तो इसकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बात समझ में आ गई तो परमिटिविटी एक तरीके से किसी भी मीडियम का रुकावट को बता रही है और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसी को अपन डाइलेक्ट्रिक बाद में नाम देंगे नेक्स्ट चैप्टर में है ना ठीक है अभी हिंट दे दे रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर में उसको नाम देंगे चलो तो मीडियम के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरीके से जैसे मान लो पानी में डाला तो क्या चेंज आया क्यों चेंज आया ये सारी बातों के बारे में इस सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज आपको यहां पर नहीं समझ में आई या कोई चीज आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं है ना और अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना है ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े चलो ये हो गया पूरा ये वैल्यू याद रहेगी आ, है ना कुछ नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा दे भैया चार्जेस दे देगा दे रेडियस दे देगा फोर्स इनमें से कोई भी चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा तो आपको वैल्यू पुट करनी है हाँ बस एक बात याद रखनी है आप सबको यूनिट की सब चीज ऐसा यूनिट में पुट करना नहीं तो पता चला पूरा मेहनत किए और सब गलत तो आपको क्या करना है ऐसा यूनिट में सारी की सारी चीजों को पुट करना है इज दैट क्लियर पक्का आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझोगे आप अब एक बात बताओ एक बात बताओ इधर देखो इधर देखो जल्दी से मान लो यहां पर ये रिमोट है है ना ये छोड़ा क्यों गिरा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसके वजह से अर्थ के कैसे पता अर्थ का हाथ निकल के आया क्या अर्थ का हाथ निकल के आया क्या न्यूटन बताया चलो तो अर्थ का हाथ तो निकल के नहीं आया तो अपन ने बोला कि भैया इस अर्थ के कारण यहां पर स्पेस में कुछ ऐसा था जिसने इसको फोर्स ना ना। उस कुछ को अपन ने क्या नाम दे दिया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड उस ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको क्या किया खींचा अपने तरफ है ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दे दिया उसी तरीके से उसी तरीके से एक चार्ज के चारों साइड मान लो ये चार्ज है क्यूअन तो इसके चारों साइड का रीजन इसके चारों साइड का रीजन यहां पर मैं अगर कोई और चार्ज लाऊंगा तो उसको फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन बात समझ में आई तो वो जो चीज है उसको अपन ने क्या बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने उसको फोर्स लगाया ठीक है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन है भैया तो अपन ने इलेक्ट्रिक जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन किया था अपन ने फोर्स पर यूनिट मास यहां पर फोर्स किसकी वजह से था मास के कारण हाँ। तो अपन ने बोला चलो एक केजी के के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे यहां पर अपन बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फोर्स बाई चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम याद रहेगा नींद में भी ऐसा यूनिट व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर Cool. नींद में भी याद होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया एक तरीके से बात किया जाए तो रीजन है चारों साइड का एक चार्ज के जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है महसूस किया जा सकता है वो उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एक यूनिट चार्ज पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लियर पक्का आगे बढ़े हैं अब अपन को देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पेज ऐड कर देते हैं है ना ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को देखना है अभी तब देखो मान लो एक ही पॉइंट चार्ज है क्यू इससे आर दूरी में मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो यहां पर एक बार मेरे को टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज मतलब अब वहां पर फोर्स निकालना है तो फोर्स तो दूसरे चार्ज के कारण ही आएगा तो एक बार के लिए कोई भी चार्ज लेके आ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज तो मान लो यहां पर मैं चार्ज लेके आ गया Q2 मान लो या Q1 Q0 कुछ भी मान लो है ना अब इस पे जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज यहां पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज।, चार्ज उसी को अपन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो अब इसको फोर्स कितना लगेगा के क्यू क्यू टू बाई आर ठीक है इतना फोर्स लगा इतना फोर्स कितने चार्ज पे लगा Q2 चार्ज पे लगा टोटल Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर स्क्वायर भूल गए ठीक है? है तो अब टोटल Q2 चार्ज में इतना फोर्स लगा तो एक यूनिट चार्ज में कितना लगेगा भाई क्यू टू करना पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा के क्यू क्यू टू बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू टू क्यू टू ने क्यू टू को बहरमी से मार डाला तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आ गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर वन बाई फोर पाई एफसेल नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते ठीक है वन बाई फोर पाई एफ्सल नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ठीक है क्या पक्का वन बाई फोर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक बात और ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट तो यहां पर देख लिए थे एक बात और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सर तो डायरेक्शन आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया डायरेक्शन तो डायरेक्शन क्या होगा आर वेक्टर ही होगा है ना अब देखो आप बोलोगे तो होगा, होगा तो तो बोल भैया वो अपने आप आ जाएगा क्यू प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा क्यू प्लस होगा तो. तो इसी को देखो अगर मैं इज्जत से, इसको फिर से यहां पर लिखूं या यहीं पर लिखूं अच्छे से यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है कौन सा है मैग्नीट्यूड तो वो होगा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और किसमें लिख रहा हूं अब वेक्टर वेक्टर फॉर्म फॉर्म तो क्या होगा KQ. और डायरेक्शन क्या होगी वही आर वेक्टर जो आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये आर है तो यहीं पर इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने क्या बोल दिया के क्यू आर बाई आर क्यूब क्योंकि आर क्यूब देखो अगर मैं ऊपर एक आर वेक्टर किया तो ऊपर एक आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया और ऊपर कर दूंगा और नीचे नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला नीचे, नीचे तो इसीलिए अपन ने नीचे भी एक आर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होता है वेक्टर फॉर्म और वेक्टर आप लोग पढ़ रखे हैं क्लास इलेवेंथ में अच्छे से है ना वेक्टर एडिशन सब सा, प्रशन सारा चीज आप देख रखे हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं ठीक है तो एकदम अच्छे से याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा के, के क्यू बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने आप आर वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज होगा तो आर वेक्टर के अपोजिट इज दैट क्लियर पक्का

कोई भी चार्ज है उसके कारण चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो अपन ने जान लिया है ना वो कुदरत का करिश्मा है कि भैया वो है तो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड ये सब एग्जिस्ट करती हैं तो करती हैं भगवान ने बना रखी है भैया ठीक है अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी समझना है तो उसको समझने के लिए अपन ने इंसानों ने कुछ लाइन को रिप्रेजेंट किया क्या किया लाइन को रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इमेजिनरी लाइंस है वॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट

सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होगी और कहां टर्मिनेट होगी मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के में टर्मिनेट होंगी मतलब खत्म होंगी दूसरा नेवर फॉर्म क्लोज लूप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाएंगी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी इज क्लियर चलो दूसरा नेवर इंटरसेक्ट इच अदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्यों क्योंकि अगर वह ऐसा करी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शन दिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉसिबल नहीं है तो ऐसा भी सवाल आ सकता है एक नंबर का दो नंबर का वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट अदर बिकॉज इफ दे डू बिकॉज इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल बात समझ में आई अब रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं? हैं। को represent करती पूरे में कोई भी point है वहाँ पर जो है, है उसको represent करती हैं। कौन? तो 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 ये तो उसकी definition हो गए, ये भी उसकी उसकी भी में तो आएगा ही, ना? Next, tangent, किसी भी जैसे मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज था ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां ऐसे है ठीक है तो किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे टेंजेंट क्या होता है सर टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट में टच करके जाती है तो अगर आप किसी भी कर्व में किसी पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज को लगने वाली है बात समझ में आई मतलब उस पॉइंट में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दो तो उसको जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन टेंजेंट बताएगी इज दैट क्लियर है ना फिर उसके बाद क्या है ये सब आप पढ़ चुके हैं रिवीजन चल रहा है मैं फिर से बता दूं ये पूरा का पूरा लेक्चर भैया उनके लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं रिवीजन के लिए आए एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये लेक्चर है है ना चलो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन कंडक्टर इज जीरो भैया अगर कंडक्टर है कंडक्टर मतलब जिसमें चार्जेस फ्री है मूव करने के लिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी चाहे बाहर में करोड़ों चार्ज रख दो अरबों चार्ज रख दो ठीक है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पास और हां कहीं पर भी अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एकदम मतलब समझ जाना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कांस्टेंट याद रहेगा और फिर डेंसिटी जितनी पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है तो ये प्रॉपर्टीज हैं ये आठ प्रॉपर्टीज इसलिए लिखवाया हूं ताकि अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसमें से सात आठ छह जितनी लिखनी है आप उतनी लिख सको ठीक है तो हमेशा पॉजिटिव से चा, चालू होंगी नेगेटिव में खत्म होंगी कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी है ना आ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी किसी भी पॉइंट में टेंजेंट जो है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी पैरेलल लाइन मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा और कंडक्टर के अंदर तो जीरो होती है लेकिन कंडक्टर अगर कोई है और कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो हमेशा कैसे निकलेगी परपेंडिकुलरली ठीक है इसको आप दो अलग अलग, अलग प्रॉपर्टी प्रो, भी लिख सकते हैं या एक ही में भी लिख सकते हैं आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सर ये क्या बात है कैसी बात है पहली बार सुन रहे हैं अरे भाई रिवीजन कर रहे हो तो पहली बार कैसे सुन रहे हो पढ़ा तो होगा ही आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसको ऐसे समझो ऐसे समझो ऐसे समझो है ना मान लो मैं बाल्टी रखा हूं रखाऊना कटोरा नहीं बोला नहीं तो तुम गलत समझ लेते ठीक है बाल्टी रखा हूं अब पानी पानी बरस रहा है ना? है ना अब मैं चाह रहा हूं कि भैया इस कटोरे के अंदर जो पानी जा रहा है पर यूनिट टाइम वो ज्यादा हो है ना तो एक सेकेंड में जो उसके उसके सरफेस से ऊपर वाले सरफेस से जो पानी क्रॉस कर रहा है वो जितना ज्यादा होगा पानी उतना जल्दी बढ़ेगा और वो एक सेकंड में जो उसके ऊपर से जो पानी जा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं फ्लक्स अब यहां पर ये समझो कोई एरिया है उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वहां से? उसको क्या बोलेंगे? पर यूनिट टाइम एक एक सेकंड में जो यहां से पानी क्रॉस कर रहा है वो बढ़े तो क्या क्या कर सकता हूं एक तो एरिया बढ़ा दू एक तो एरिया बढ़ा दू अगर मैं एरिया बढ़ा इतनी बड़ी बाल्टी ले आऊंगा तो उसमें ज्यादा पानी जाएगा पर सेकेंड ज्यादा पानी इकट्ठा होगा पर सेकेंड या दूसरा सर नहीं भाई बड़ी बारिश तो नहीं है सर गरीब इंसान है ना तो क्या करें बारिश तेज हो हाँ। भगवान थोड़ा तेज बारिश दे अब जितनी तेज बारिश होगी उतना हाँ। ज्यादा सेम वैसे ही अगर, अगर अपन चाहते हैं कि भैया ये कोई एरिया है ए है ना और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लिक्स फ्लक्स ज्यादा हो तो सबसे पहले या तो एरिया बड़ा हो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा हो तो फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से और इसको अपन बोलते हैं ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस और डीएस यहाँ पर एरिया बता रहा है या लिख सकते हो आप लोगों को अगर लिखना है तो अब याद रखना एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्वेल्थ में इलेवन एरिया क्या है वेक्टर क्वांटिटी हाँ नाइन टेंथ में क्या था स्केलर लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ में एरिया क्या है वेक्टर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस इज योर फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलो तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ऐसे यूनिट क्या है न्यूटन पर कोलम कुछ नाम नहीं दिया और एरिया की मीटर स्क्वायर है ना चलो अब इधर देखो न्यूटन इंटू मीटर डन हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर डन बाई चार्ज ये हो गया वोल्ट क्या हो गया वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना पोटेंशियल क्या होता है डन बाई चार्ज इंटू मीटर तो वोल्ट मीटर भी आप लिख सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है कुछ नाम नहीं दिया है तो अपन इसको ऐसे बेसिक टर्म में ही लिखते हैं वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम भी बोल सकते हो इज इट क्लियर पक्का अभी फ्लग्स है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि अब ये अपन को मदद करेगा पढ़ने के लिए ये नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तब मदद करेगा, अभी अपन को पढ़ना है है बीच में क्या? इलेक्ट्रिक है ना? में क्या, ना, वो वो जो फ्लक्स वाला बाद ही मैं पढ़ाता हूँ लेकिन यहां पर अभी अपन क्योंकि अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो सेम एनसीईआरटी के टॉपिक को अपन लेकर चल रहे हैं सीक्वेंस को चलो तो अब डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या जब कोई दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइन के मतलब मान लो प्लस टू और माइनस टू कुलम के एक दूसरे से बहुत पास रखे हो बहुत पास मतलब मिलीमीटर से भी पास समझ में आया तो अपन उसको क्या बोलते हैं डाइपोल अब आप बोलोगे सर इतना गंदा एकदम एक मिलीमीटर से भी कम पास क्यों ऐसा बोल रहे हो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अब जैसे मान लो पानी है एच टू ओ पानी एच टू ओ तो ओ और ये दो एच है कि नहीं इसके पास दो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव और

है ना टू डी क्यों मान रहा हूँ क्योंकि अभी देखना अभी अपन डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टू डी क्यों मान रहा हूं आप बोल सकते थे ना, दूरी, दूरी को डायरेक्ट डायरेक्ट डी मान लो मैं मान सकते हो है ना बट यहां पर अभी मैं क्या मान रहा हूँ टू डी तो जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल पी वो कैसे डिफाइन किया गया है चार्ज इंटू डिस्टेंस मतलब टू क्यू डी तो यह क्या आ गया टू क्यू डी बात समझ में आई सिंपल ज्यादा टफ कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है जब भैया दो चार से के एक दूसरे से बहुत पास रखे तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल किसान रिप्रेजेंट करते हैं पी किस रिप्रेजेंट करते हैं P कैपिटल P. P से और उसकी वैल्यू कितनी आती है टू क्यू डी और ये जो ये है वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी याद रहेगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है ये जो पी है vector quantity है वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ठीक है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़े समझ में आ गया ये बात याद रखना है मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस अब बोलोगे सर कौन सा चार्ज अरे भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है ना तो चार्ज इन डिस्टेंस ठीक है क्योंकि डायरेक्शन तो अपन ने बता दी है ना तो आप खाली क्या लोगे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस वो हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल आगे बढ़े तो ऑन एक्सिस सबसे पहले आप क्या देखना है ऑन एक्सिस तो मान लो भैया कि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी है टू डी इधर की दूरी भी डी इधर की दूरी भी डी क्यों आपको ये बात में समझ बाद में समझ आएगा क्या यहीं पर समझ में आएगा क्योंकि अपन क्या करते हैं हमेशा डायपोल के सेंटर से दूरी देखते हैं डायपोल के सेंटर से आर दूरी इधर आर दूरी ऊपर तो इस कारण से और आ, सेंटर से अपन को जरूरत है पूरा डेरिवेशन करने के लिए तो इसलिए अपन क्या मानते हैं उसको टू डी। क्योंकि अगर आप पूरा टू पूरा डी मानोगे तो आधा डी बाई आ जाएगा में टोटल डिस्टेंस लेते हैं। टू डी जो मैंने आपको बोला था वो आपको में आ जाएगा। अब भैया से तो अब, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां ध्यान से देखो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जिसको मैं बोल दे रहा हूं ई e प्लस yeah. और ये नेगेटिव के कारण उसके तरफ होगा मतलब इधर ई माइनस कौन ज्यादा होगा ई प्लस की माइनस ई प्लस क्यों क्योंकि उसकी दूरी कम है

आर में से डी दूरी हट जाएगी तो ये दूरी कितनी बन जाएगी आर माइनस डी बन जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक आर था उसमें डी डी, और हो गया, तो ये क्या हो गई? आर प्लस है, पक्का चलो अब देखो इधर अब नेट ई प्लस ई प्लस कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और ई e माइनस कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर ठीक है दोनों की दूरी अलग अलग है इसलिए तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है इसलिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नहीं तो नहीं आती है ना तो दोनों की दूरी अलग है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ई e नेट अपन ने देखा ई नेट आपका हो जाएगा यहीं पर लिखते हैं ना ई नेट ई नेट आपका हो जाएगा दिस माइनस दिस तो के क्यू कॉमन निकाल लू वन अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया तो ई नेट ई नेट कितना हो जाएगा के क्यू यहां पर एलसीएम ले लू नीचे आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर ठीक है अरे इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया ये ऊपर ये इधर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आता तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए बी देखो आर स्कवायर ने आर स्क्वायर को मार दिया डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को में से मार दिया टू आर डी प्लस टू आर डी कितना हो गया आर डी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर बचा हुआ है अभी बाहर बचा हुआ है तो देखो अब यहां पर लिखता हूं उसके आगे यहां से इसके आगे e नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया के क्यू बाहर था और प्लस इनटू आ गया और नीचे आ गया बहुत 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 है आर स्कवाइनस डी नहीं अरे भैया स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी जैसे पॉइंट वन उसका स्क्वायर करोगे तो पॉइंट जीरो छोटी हो गई तो कोई छोटी चीज को स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा तो भैया डी छोटा था उसको स्क्वायर कर दिए तो और छोटा तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अरे भैया खुद सोचो ना अगर r 100 है और ये 0.001 तो कुछ ऐड करने का मतलब भी है उसके सामने नहीं।, नहीं उतना तो आप ऐसे ही एरर कर देते हो तो d स्क्वायर को हटा दूं हटा दूं तो कितना बन गया kq 4 rd r की पावर 4 एक r ने एक r को मार दिया तो कितना बच गया 3 और 4 था 4 में से 2 qd को p लिख दूं और एक 2 बच गया तो क्या बच गया टू के पी बाई आर क्यूब ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और बस ये याद रखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होती है जो नेट p की डायरेक्शन है जो p की डायरेक्शन होगी वही e की डायरेक्शन होगी कहां पर एक्सिस पे कहां पर पे। मतलब भैया अगर ये कोई भी डायपोल है अगर आपको बोल दिया है ना कहीं पर एक ग्राफ बीच में एड कर लेंगे लो कर लेते हैं मैं यहां पर एक बता दे रहा हूं मान लो अगर ये ये इलेक्ट्रिक डायपोल है P, तो इसके पूरे एक्सिस में कहीं पर भी देखना हो यहां देखना हो तो P की डायरेक्शन इधर तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर यहां P की डायरेक्शन उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर जो P की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल इसको नोट डाउन कर सकते हो ठीक है क्या आगे बढ़े ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आ गया तो क्या रटना है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक डायपोल के एक में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड डायपोलिक्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी टू डी थी तो यहां से यहां तक की डी यहां से यहां तक की डी इसके सेंटर से आर दूरी पे यहां पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद सोचो इस प्लस वाले के कारण उससे दूर होगी यहाँ पर और इस माइनस वाले के कारण उसके तरफ होगी यहां पर ई यस और नो अब खुद सोचो जितनी दूरी है उतनी दूरी है yes. क्योंकि ये R बराबर, बराबर तो अंडर रूट आर स्क्वायर तो खुद सोचो जितना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी इसकी वजह से होगी इसलिए दोनों को सेम नाम दिया ई e. अब खुद सोचो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा सेम एंगल बनाएंगे अब ये थीटा तो ये नाइनटी थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा क्योंकि सारी चीज सिमेट्रिक है एकदम अब देखो ये दोनों ई का कॉम्पोनेंट होगा किसी भी दो वैक्टर को कॉम्पोनेंट कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी वेक्टर को अपन टुकड़ा कर सकते हैं उसका किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं एंगल के पास वाला कॉस्ट थीटा एंगल के दूर वाला साइन थीटा तो ये ई के दो कंपोनेंट होंगे ई थीटा इधर और e sin थीटा ऊपर वैसे ही e cos थीटा के इधर, ये e के कंपोनेंट होंगे e cos थीटा इधर और e sin थीटा नीचे होंगे तो देखो e sin थीटा ऊपर और नीचे कट जाएंगे दोनों यस सर यस और नो कट जाएंगे yes, और खाली इधर बच जाएंगे e cos थीटा और e cos थीटा तो e नेट जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा e cos थीटा e cos थीटा जो कितना हो जाएगा 2e

सेम चीज का पावर हाफ तो पावर एड हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू मतलब थ्री बाई टू और ऊपर देखो टू इंटू क्यू इंटू डी को पी लिख दो तो ऊपर आ गया के पी और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अब अगेन आ, जो डी है वो आर से बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दू नेग्लेक्ट कर दू तो क्या आ जाएगा देखो के पी बाई आर क्यूब पी बाई आर क्यूब लेकिन ई लिखते समय माइनस क्यों माइनस लिख रहे हैं देखो एक बात अगर की इधर है की की इधर है 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 तो देखो उससे इसलिए अपन यहां पर क्या लगाते हैं माइनस साइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस टाइम्स Kp बाई आर क्यूब माइनस टाइम्स Kp बाई आर क्यूब माइनस टाइम्स बस इज दैट क्लियर मतलब क्या याद रखना है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू के पी बाई आर क्यूब और सेम डायरेक्शन में होगी और इक्विटोरियल पोजिशन में हमेशा उल्टी होगी पी उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के पी बाई आर क्यूब अब यहां माइनस नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन बना दी है डायरेक्शन बना दी है इसीलिए साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है क्या पक्का पक्का आगे बढ़े तो ये दो फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही ये दो फॉर्मूले तो रटने हैं ही लेकिन इन दोनों का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए इज द क्लियर और बहुत इजी डेरिवेशन है दो बार करोगे तीसरी बार तो पक्का याद रहेगा यस और नो बस ये और ये डेरिवेशन हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल का अब है डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड कैसी फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड कैसी है यूनिफॉर्म कैसी है यूनिफॉर्म मतलब बराबर कॉन्स्टेंट इज दैट क्लियर खुद सोचो देखो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर आंधी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायपोल ऐसे रखा है तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू प्लस क्यू को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इधार। इधार और माइनस को इधर 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 इसको इसको तो ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेंगे अरे खुद सोचो ना इसको इधर फोर्स इसको इधर फोर्स तो ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेंगे तो इनको टॉर्क लगेगा घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं चलाने वाला फोर्स फोर्स घुमाने वाला फोर्स टॉर्क और टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मुला है जो ज़्यादा नहीं है तो आप मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं पर कितना आता है? पी क्रॉस ई कितना आता है पी क्रॉस ई डायरेक्ट या फिर अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो पी ई साइन थीटा इज दैट क्लियर चलो थीटा e, और एक्चुअल में इसमें इस टाइप के भी बनते हैं देखो आ, जैसे ये है है ना आ, इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक इधर देखो इता देखो अगर ऐसे है एक डायपोल को ऐसे रख के मैं छोड़ दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉरिजेंटल है तो इधर फोर्स लगेगा लेकिन जब इधर फोर्स लगेगा तो ये वापस आएंगे ऐसे अब इतने आते तक इनकी वेलोसिटी आ जाएगी येस और नो अब इनकी वेलोसिटी आ गई भले इनमें अब नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो लेकिन अब वेलोसिटी के कारण ये आगे जाएंगे अब इनमें इधर फोर्स लगने लग जाएगा तो थोड़ा दूर जाके रुक जाएंगे फिर वापस तो आ, ये एस एच एम करेगा अगर हाँ तो अगर इसको ऐसे छोड़ के ऐसे हल्का सा हिला के छोड़ दोगे ना तो ऐसे 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 एसएचएम करता रहेगा तो बताओ टाइम पीरियड कल के भी होमवर्क है ना अच्छा हाँ मैं भूल गया था तुम्हारे स्कूल में आधे टॉपिक्स हटा देते हैं चलो है। आगे बढ़ जाते हैं हाँ चलो आगे बढ़े आगे बढ़े पक्का चलो देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई नो आपको चल रहा होगा कि सर इतना जल्दी जल्दी एक के बाद, एक के बाद एक। में आपका रिवीजन चल रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो पहली बार पढ़ने पढ़ रिविजन करना है।, कोई आ रही है टेस्ट आ रहा है, है उनके लिए ये वीडियो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब मान लो कोई चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके पूरी लेंथ में मान लो क्यों चार्ज पूरा इस एल डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम बराबर तरीके से अब यहां पर जब भी आपको कुछ करने

बस नाम रटना है बाकी तो सब वर्ड से समझ में आ रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ अब यहां देखो चार्ज पर यूनिट एरिया मान लो आपको बोल दे कि है उसमें चार्ज फैला हुआ है तो अब यहां पर इन्फाइट सीट है तो क्या कैसे निकालोगे है ना तो वहां पर आप क्या देखोगे कि, कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है या मान लो आपको बोल दे स्फेयर है शेल है जिसमें कोने कोने में चार्ज है तो वहां तो एरिया लोगे ना अगर सॉलिड बोल दे पूरा अंदर से लेकर बाहर तक तो वॉल्यूम में है बट आपको बोल दे कि सिर्फ बाहर बाहर एक शेल है फुटबॉल है और फुटबॉल के बाहर बाहर चार्ज चिपके हुए हैं समझ रहे हो बस बाहर सरफेस में तब तो एरिया लोगे भले उसका वॉल्यूम भी होगा एक बॉल का टेनिस बॉल का वॉल्यूम भी होगा लेकिन वहां पर आप क्या लोगे चार्ज पर यूनिट एरिया क्योंकि एरिया में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऐसा भी हो सकता है ना एक कोई सिलेंडर है पूरा अंदर से लेके बाहर तक तो पूरा चार्ज हो तब तो अपन चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं ले सकते क्योंकि पूरा सॉलिड में फैला हुआ है ना उस समय अपन क्या लेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बात समझ में आई तो चार्ज पर यूनिट एरिया आपका क्या हो गया सिग्मा और ये क्या हो गया आपका रो ठीक है तो सिग्मा आपका क्या हो गया चार्ज बाई एरिया मतलब कूलम पर मीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर और ये रो आपका हो गया चार्ज बाई वॉल्यूम मतलब कि कूलम पर मीटर क्यूब इज दैट क्लियर पक्का आगे बढ़े चलो गॉज लॉ फिर है एप्लीकेशन ऑफ गॉज लॉ पूरा चैप्टर समाप्त खत्म ठीक है आई नो आपको भी मजा अगर आ रहा होगा है ना तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक कर देना है ना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना आगे बढ़ते हैं जल्दी से गोज लॉ अब देखो भैया बहुत कमाल की चीज है क्यों कमाल की चीज बोल रहा हूं आप भी कमाल की चीज बोलोगे कब जब आपको पता चलेगा कि भैया जो दो दो तीन तीन पेज के डेरिवेशन थे लॉ ने उसको दो दो तीन तीन, तीन लाइन बना दिए अब तो मजेदार बात है गॉज लॉ है ना क्योंकि ये आपका डेरिवेशन को कर देता है बिल्कुल शॉर्ट तो जल्दी से शॉर्ट में पढ़ते हैं गॉज लॉ है ना देखो इधर गोज लॉ सिंपल सा क्या बोलता है फ्लक्स फ्लक्स पढ़ चुके हो पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना अब क्या बोलता है जो फ्लक्स है वो क्यू इन साइड के बराबर होता है अब मतलब मतलब कोई चीज के अंदर तो मतलब कुछ define करना पड़ेगा किसके अंदर Gaussian. Gaussian surface. है ना नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई नॉट अब देखो ये जो फ्लक्स है वो किससे बात कर रहा है फ्लक्स मतलब एरिया चाहिए हाँ. तो अपन यहां पर मानते हैं गॉजियन सरफेस क्या मानते हैं गॉजियन सरफेस ये आपके ऊपर है आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो लेकिन आप इमेजिन वही करोगे ना जो आपके लिए आसान हो जहां पर आप निकाल पाओ ई डॉट डी एस

हिम्मत इसको इंटीग्रेट करने की तो अपन हमेशा गॉसियन सरफेस सोच समझ कर लेते हैं कोई भी क्लोज सरफेस जैसे अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी पांच पांच डिराइव करेंगे आपको समझ में आ जाएगा गॉसियन सरफेस कब क्यों कैसा लेना है है ना और नहीं आएगा तो भैया रटर तो लेना एकदम क्योंकि पांच ही है और पांच में किस तरीके से क्या डिराइव करने के लिए क्या गॉसियन सरफेस लिए कुछ तो आपको एकदम साफ समझ में आएगा हाँ भाई ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि यही लेंगे है ना तो गॉसियन सरफेस कोई भी अगर गॉसियन सरफेस से आगे बढ़ते हैं है ना मान लो ये रूम रूमियन सर्फेस है तो टोटल फ्लक्स यहां से जो जा रहा होगा वो किसके बराबर होगा इस गॉजियन सर्फेस के अंदर जो चार्ज है अपॉन के बराबर चार्ज अपॉन लेकिन चार्ज कौन सा अंदर वाला बाहर वाला नहीं आपने जिस गोजियन सर्फेस से फ्लक्स निकाला है उसी गोजियन सर्फेस का आप क्या लोगे चार्ज बात समझ में आई और ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा लिख लिए क्या

पूरा स्पेयर एक बनेगा जहां पर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम तो ऑब्वियसली बताओ सरफेस क्या लोगे स्फेरिकल कॉमन सेंस क्योंकि वहां पर आप e. निकाल पाओगे ना तो क्योंकि पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू एरिया यस और नो तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उससे आर दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट तो उसके आर दूरी पे अपन को क्या लेना है स्पेयर तो अपन इसके आर दूरी पे अगर आप एक, तो एक, एक स्पेयर लोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी आ, तो नेट फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया एरिया उफ, कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है अब आ गया अब देखो अंदर चार्ज कितना है Q गॉस गॉसो लगा दें तो गॉस गॉसलो क्या बोल देगा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड साइड एप्सिलॉन एप्सलोनॉट तो अपन को चाहिए तो बाकी सबक उधर भेज दू क्यू इन साइड बाई फोर पाई एफ नॉट आर स्क्वायर यही तो के था K q r K q r के क्यू बाई आर स्कवायर आ गया फॉर्मूला वन बाई फोर पाई नॉट को लिख दिया क्यू इन साइड बाई एफ नॉट तो क्यू बाई आर स्क्वायर तो एक चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिराइव कर दी के क्यू बाई आर स्क्वायर किसको यूज करके

है ना आपको पता है कि भैया तो ले? ले हाँ ये रॉड है अगर है इन्फेनाइट रॉड तो जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इधर उतना इधर मतलब पूरे सर्कल में सेम रहेगा तो अपन एक सिलेंडर ले लेते हैं कैसा ले लेते ले 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 हैं सिलेंडर क्योंकि अगर खाली सर्कल लेंगे तो एरिया कहां से निकालोगे वो तो लाइन हो गई ना कोई सरफेस चाहिए ना अपन को क्लोज सरफेस। तो अपन क्या ले लेते हैं सिलेंडर आर रेडियस का क्या ले लेते हैं सिलेंडर ठीक है आर इधर इधर। थोड़ा इसको सरका देता हूं ठीक है अब देखो आर रेडियस का मैं एक सिलेंडर ले लू यहां पर ऐसा ले लू क्या तो अब देखो इसके अंदर ये पूरे सरफेस के अंदर कितना ले ये सिलेंडर का लेंथ कितना है एच ठीक है और रेडियस कितना है आर अब खुद बताओ यहां चारों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी इधर भी इधर भी चारों साइड से पूरी निकलेगी और ऊपर और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यहां से फ्लक्स कितना जीरो यहां से फ्लक्स कितना जीरो जो फ्लक्स होगा चारों साइड से होगा पूरा तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू कर् सर्फेस एरिया इंटू कर् सर्फेस ये चारों साइड से रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे से तो नहीं है

और अंदर अंदर का चार्ज चाहिए तो लेमडा क्या था चार्ज बाई लेंथ yeah. ये था तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा लेमडा इंटू लेंथ आ जाएगा yeah. अरे लेमडा क्या था चार्ज बाई लेंथ यस और नो तो चार्ज कितना आ जाएगा लेमडा इंटू लेंथ लेमडा इंटू लेंथ तो लेमडा इंटू लेंथ कितना है एच बाई एफ ने एच को मार दिया तो e की वैल्यू आ गई वन बाई पाई आर एफ और ऊपर आ गई लेमडा आ गई हाँ। अब देखो टू से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और ऊपर भी कर सकता हूं हाँ। अब देखो वन बाई फोर पाई के बन गया तो टू के बाई आर, आर। नींद में भी याद होना चाहिए, चाहिए।, चाहिए। तो एक इंफाइट रॉड के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है टू के लेमडा बाई आर और अगर इसको बिना गोज लॉ के करते तो दो पेज का डेरिवेशन है टू पेज का डेरिवेशन तो गॉज लॉ दोस्त है कि दुश्मन भाई छोटा कर दिया आपके लिए तो आपके लिए तो बस यही चाहिए आपके लिए तो एनसीआरटी वाले भी दोस्त हैं क्योंकि सिलेबस कम पे कम करते जा रहे हैं खा जा रहे हैं पूरा है ना कुतर कुतर के तो आप लोगों के लिए तो सीबीएसई वाले भी दोस्त हुए क्यों दे। चलो दे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंफानाइट शीट भाई रॉड हो गई कहां रॉड में पड़े हो अब कहां पर आ गए शीट इन्फाइट शीट मतलब भाई इधर भी इन्फोनाइट जा रही है इधर भी इंफोनाइट इधर भी चारों साइड पूरी इंफोनाइट जा रही है ऐसे इन्फाइट है पूरी ऐसे इन्फाइट इधर भी इन्फेनाइट इधर जा रही है इधर भी इधर इधर भी और भी और इंफोनाइट बात समझ में आई तो अब यहां पर कैसा लेंगे कैसा सर्फेस लेंगे सिलेंड्रिकल ले सकते हो स्क्वायर ले सकते हो जैसा लेना है वैसा ले सकते हो लेकिन कैसा देखो अब इन्फाइट शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सामने होगी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक से बता सकते हो ना पूरी इंफाइट है तो पूरी कैसी होगी सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ई e. जैसे इधर ई e, वैसे ही पीछे भी ई e. e. दोनों साइड ई e, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एकदम स्ट्रेट ऐसे पूरी सीधी सीधी पूरी तो मैं यहां पर एक ऐसे मान लो एक ऐसे वो ले ले रहा हूं क्यूबॉइड और उतना ही पीछे ठीक है जितना आगे उतना ही पीछे ऐसे मतलब मान लो ये इन्फाइट सीट है मान लो ये इन्फाइट सीट है आ, तो एक ऐसे टाइम्स की बुक काम आ जाएगी यहां पर है ना देखो आओ पकड़ो ज्यादा बड़ी होगी वैसे ये पकड़ो इसको यहां पर एक, को, एक, को, एक, को, एक, को। और एक यहां पर तो ये पूरा ये ना इदा देखो इधर नीचे करो थोड़ा नीचे करो हाँ इसके बराबर में अब पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसे अंदर से ये पूरा एक क्यूबॉइंट दिख रहा है जिसके दो फेस ये हैं एक फेस ऐसे ऊपर वाला पूरा एक फेस नीचे वाला एक फेस इधर वाला एक फेस इधर वाला पूरा समझ में आ रहा है कैसा अपन ले रहे हैं अब बताओ अगर मैं ऐसा कुछ यहां पर सेप लेता हूं मान लो यहां पर ऐसा कुछ रखने का कोशिश करूं कुछ नहीं है मान लो ये मान लो ऐसे निकला हुआ इधर ठीक है खुद बताओ तो अब ये इनफिनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर है हाँ। पूरी तो ये ऊपर वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो इधर वाले से नीचे वाले से इधर वाले से सब से जीरो सिर्फ ये बाहर वाले से होगा हाँ। कितना e into a होगा सेम वैसे इधर पीछे भी देखोगे सेम ये चारों साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो सिर्फ बाहर वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, होगा कितना होगा e a यस और नो तो आप देखो यहां पर समझ में आया तो अब देखो यहां पर ये यह ऊपर वाला साइड वाला नीचे वाला उधर वाला सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जीरो सिर्फ यहां से ऐसे आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लग्स इंटू ए इंटू टू इंटू टू क्यों किया क्योंकि जितना ये वाले सरफेस से उतना ही पीछे वाले से बाकी चारों साइड एक क्यूबॉइड में छह सर्फेस होते हैं बाकी चारों ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फ्लग्स जीरो सिर्फ इधर वाला और इधर वाला से निकल रहा है yes or no to so, e into a 2 बात समझ में आई पक्का हां चलो अब मान लो भैया अब ये अगर ये पूरा एरिया मैंने a माना है तो ये यहां पर जितने में चार्ज है वो उसका भी एरिया भी a तो यहां पर मैं क्या लूंगा सिग्मा सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया क्या लूंगा चार्ज पर यूनिट एरिया।, एरिया तो अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा a कितना हो जाएगा सिग्मा a तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू ए इंटू टू इज इक्वल टू अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई नॉट आ जाएगा ए हाँ. ने ए को मार दिया तो ई e की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई टू नॉट अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो अगर ये क्या है नॉन कंडक्टिंग अगर कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा ध्यान रखना याद रखना सिग्मा बाई किसके लिए है नॉन कंडक्टिंग किसके लिए है? नॉन कंडक्टिंग या वन शेल अगर एकदम मोटी है तो एक साइड के कारण कंडक्टिंग होगी तो आप अलग अलग लोग तो एक साइड के कारण अब खुद बताओ कितना ही पतला मान लो इतना पतला भी लू अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या चार्ज सिर्फ एक सरफेस में रहेगा दोनों सरफेस में रहेगा बात समझ में आई तो अगर यहां का भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा यहां का भी सिग्मा तो यहां के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सिग्मा एप्सिलॉन और यहां के कारण भी सिग्मा एप्सिलॉन तो अगर ये कंडक्टिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्स नॉट बात समझ में आई तो सिर्फ सिग्मा बाई टू एप्स नॉट है वो किसके लिए है नॉन कंडक्टिंग अगर कंडक्टिंग होगा अगर कंडक्टिंग होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सलोनॉट प्लस सिग्मा बाई टू एक्सएल नॉट नेट नेट कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एक्सएल नॉट क्लियर हो गया uh. पक्का आगे बढ़े चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेयर या फिर शेल okay. कौन सा ये फोर्थ आ गया वाह फोर्थ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेयर और शेल अब देखो होलो है हॉलो स्पेरिकल और शेल या फिर कंडक्टिंग कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर अगर सॉलिड स्पेयर है लेकिन कंडक्टिंग तो भी वो शेल के जैसे ही रहेगा चार्ज तो बार बार वाले में ही रहेंगे या शेल है तो उसमें चार्ज बाहर बाहर ही रहे चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग अगर शेल अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज तो फिर तो बाहर ही बार में रहेंगे बात समझ में आई तो बस अगर चार्ज बाहर बाहर है तो यहां पर अपन क्या लेंगे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया क्योंकि शेल है ना बाहर बाहर या सॉलिड स्क्र भी है तो क्या है कंडक्टिंग तो चार्ज क्या है खाली सरफेस में तो इसलिए यहां पर, पर क्या लेंगे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया अब देखो इसके अंदर मैं कोई भी सर्फेस लू आर इन में अब यहां पर निकालेंगे ई आर इनसाइड में और एक निकालेंगे ई आर आउटसाइड है ना एक आर रेडियस जो है आर जो दूरी है वो रेडियस से कम और एक रेडियस से ज्यादा अगर रेडियस से कम लेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं ई ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है और एक आर आउटसाइड ठीक है तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं कितना है जीरो जीरो, जीरो बाई एफ नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई तो एक जीरोल के अंदर या एक कंडक्टिंग अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जीरो अरे अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना अब इधर देखो अगर मैं आर आउटसाइड लेता हूं ये क्या ले रहा हूं आर आउटसाइड तो यहां पर एक ग्सियन सर्फेस लूंगा आ, तो ग्सियन सर्फेस तो उसमें पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू फोर पाई आर इज इक्वल टू ये फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया अब फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा अंदर का चार्ज आ, अब अंदर का चार्ज मतलब क्या टोटल चार्ज तो आ गया हुँ. अरे पूरी स्पेयर पूरा स्पेयर अंदर ही तो है तो पूरा चार्ज या तो पूरा चार्ज क्यों ले लो या या फिर सिग्मा इंटू

रिवीजन चल रहा है पूरा का पूरा इसलिए फटाफट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर लेना देख लेना दोबारा देख लेना कमेंट सेक्शन में दे देना कुछ भी चीज वापस आपसे समझानी होगी तो समझा दूंगा आगे बढ़ते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फ़ेयर अब सॉलिड स्फ़ेयर में अपन क्या बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर भी पूरा चार्ज भरा हुआ है इज दैट क्लियर ठीक है अब देखो इसमें मेन अगर बाहर निकालना है तो बाहर के लिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं अगर टोटल चार्ज है क्यू टोटल चार्ज है अगर क्यू और रेडियस है आर तो बाहर के लिए तो के क्यू बाई आर, स्मॉल आर का स्क्वायर जो दूरी है वो ये एक रहा हूं, आर रेडियस का। तो यहां पर जो चार्ज है उसको बोल देता हूं क्यू इनसाइड ये वाला चार्ज येलो वाला चार्ज ठीक है अब अंदर वाला चार्ज ही तो मैंने निकालना है।, है ना अब अंदर वाला चार्ज कैसे निकालूंगा देखो बाहर वाला चार्ज कितना था क्यू और वो कितने वॉल्यूम में बटा हुआ है फोर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सॉरी फोर पाई क्यों फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब वॉल्यूम में फैला हुआ है अरे जो बड़ा वाला चार्ज क्यू है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ना तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा रो तो रो क्या आ जाएगा टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यू कैपिटल आर कैपिटल आर टोटल रेडियस कैपिटल रेडियस टोटल रेडियस क्या कैपिटल आर है तो टोटल ये चार्ज टोटल इस पूरे स्क्र में बटा हुआ है तो सबसे पहले क्या आ गया रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज बाई वॉल्यूम आ गया बट अपन को ये नहीं चाहिए अब अब सिग्मा रो आ गया अपन को क्या चाहिए अंदर वाले वॉल्यूम का चार्ज तो मैं क्या करूंगा इस सिग्मा को अगर अंदर वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर वाला चार्ज आ जाएगा तो देखो अंदर वाला चार्ज क्यू इन साइड अंदर वाला चार्ज कितना हो जाएगा टोटल सिग्मा इंटू वॉल्यूम इन साइड ये हो जाएगा सिग्मा सॉरी रो अपन निकाल चुके हैं हाँ। कितना थ्री क्यू बाई फोर पाई आर क्यूब निकाल लिए हैं अब अंदर वाले वॉल्यूम अंदर वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कट गया तो अंदर जो चार्ज है वो कितना आ गया क्यू इन साइड क्यू इन साइड जो है वो कितना आ गया क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब आ गया अब बस अंदर वाला चार्ज आ गया तो अंदर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट ई मान लू इधर मान लो तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टू एरिया एरिया क्यू इन साइड कितना है क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन एक्सलो नॉट आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया बाकी सबको इधर भेज देते हैं तो ई e की वैल्यू आ गई क्यू बाई फोर पाई एफ्सल नॉट आर क्यूब और ऊपर आर तो वन बाई फोर लिख दू तो ई की वैल्यू आ गई के क्यू आर बाई आर क्यूब सब चीज कॉन्स्टेंट है बस ये आर नहीं है मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया अरे आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आर की पावर कितनी है वन स्क्वायर होता तो क्वाटिटी आर की पावर क्या है वन मतलब देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जीरो और यहां से लीनियरली बढ़ी फिर बाहर जाने के बाद वन बाई आर स्क्वायर मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर में में होगी क्योंकि फॉर्मुला तो, सेम चलता है, पूरा। तो सेम का है पूरा डेरिवेशन ए टू जेड चीज इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहां मैक्सिमम होती है सर्फेस में ऊपर जाते समय भी कम नीचे जाते समय भी कम बात समझ में आई तो ये हो गया आपका पांच हो डेरिवेशन अब लास्ट में है ज्ञान की बात सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई जो अपन ने एक पॉइंट के लिए पढ़ा वही हजारों पॉइंट के लिए मान लो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये यहां चार्ज है माइनस टू कुलम यहाँ फोर कुलम यहां एट कुलम बताओ एट कुलम में चार्ज तो भाई ये एट और ये फोर ये दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा ये इसको इधर अब दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो अगर इक्विल बोला है डिस्टेंस दिया है सबकी दो मीटर दो मीटर दो मीटर तो ये एंगल सिक्स हो जाएगा हाँ। ये सिक्सटी तो ये हाँ। वन ट्वेंटी आता है ना और बी वैक्टर है तो रिजल्टेंट कितना रिजल्ट प्लस टू ए बी कॉस बस फॉर्मुला लगाना है तो मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अगर बहुत सारे चार्ज के कारण पूछा है तो इंडिविजुअल जितने भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है उन सबको क्या कर दो वेक्टर एडिशन आपको नेट रिजल्ट मिल जाएगा बात समझ में आई दूसरी ज्ञान की बात क्या है डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल के खाली एक्सिस और इक्विटोरियल पोजीशन में अपन ने देखा कोई आपसे किसी और एंगल पे पूछ दिया तो एग्जांपल एग्जांपल मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक डायपोल है P और इसके सेंटर से थीटा एंगल पे अगर मैं बोल दूं आर दूरी पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ पार पार अरे टॉर्क क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं टॉर्क थोड़ी पूछ रहा हूं तो और का वो ले लेंगे। P P को डिवाइड कर दोगे। वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ये P cos थीटा के कारण इधर होगी अब इन दोनों का क्या कर दोगे वेक्टर एडिशन बात समझ में आई तो इसीलिए इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो आगे हाउ टू यूज इंटीग्रेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन

पर मीटर बोल दिया मतलब ये जो है वो लेंथ के हिसाब से क्या हो रहा है चेंज तो अब यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा क्या यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये लेंथ पे है तो खाली क्या करना है आपको एक्स टुकड़े में देखो अब सोचो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है देखो सिंपल सी बात इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है पहले तोड़ो फॉर्मुला लगाओ फिर जोड़ दो यही इंटीग्रेशन का काम पहले तोड़ो छोटा 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 छोटा, -छोटा। जो फॉर्मुला लगाना है फॉर्मुला लगा दो फिर जोड़ दो इंटीग्रेशन क्या काम करता है जो इंटीग्रेशन है ये क्या काम करता है जोड़ने का काम आपने जो भी फॉर्मूला लगाया वो छोटा 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 छोटा, -छोटा सबको क्या करता है जोड़ता है तो जोड़ने के लिए पहले तोड़ना तो पड़ेगा फॉर्मला लगाने के लिए और तोड़ना क्यों पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते जो भी फॉर्मुला है उसमें डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते क्योंकि पूरे में तो लेमडा यूनिफॉर्म नहीं है ना बट अगर मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा तोड़ दू डीएक्स तो यहां पर मैं ये लेमडा को यूनिफॉर्म मान सकता हूं तो वहां पर उतना छोटा छोटा तोड़ के फॉर्मला लगा दूंगा और क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन तो बस किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है ये याद रखो कि अगर कोई लेंथ वाली चीज आई है, है तो एक्स दूरी में डीएक्स का टुकड़ा तोड़ देना है अब अगर जैसे इस टाइप से मान लो आपको बोल दिया कि भैया ये डिस्क है है ना और ये डिस्क में जो सेंटर से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक नेट चार्ज है उसका दिया हुआ है आपको सिग्म, आ, आ, सिग्मा दिया हुआ है आपको मान लो आ, फोर आर स्क्वायर कुलम पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर अब दे दिया आर मतलब भैया आर बढ़ता जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रही है चार्ज पर यूनिट एरिया बढ़ते जा रहा है अब इसमें कैसे तोड़ोगे अब इसको ऐसे तोड़ोगे एक्स दूरी में पतली सी रिंग पतली सी रिंग अब इस पूरी रिंग में कांस्टेंट मान सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मल लगा के इंटीग्रेट कर दो आर कहां से कहां जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक बात समझ में आई

सिर्फ और सिर्फ एनसीआर को फॉलो किया है अगर उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना उससे हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ जा, बढ़ जाता है।, है ना और आपके सारे दोस्तों को एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर शुभरात्रि